शासन प्रशासन स्तर पर स्वच्छता अभियान को लेकर भले ही लाख दावे किए जा रहे हों, लेकिन आज भी रहवासी प्राथमिक सुविधाओं को तरस रहे हैं। ऐसा ही मामला खरगोन के वार्ड क्रमांक 29 का है, जहां नालियों की साफ सफाई के अलावा पानी निकासी की उचित व्यवस्था ही नहीं है, जिससे रहवासी परेशान हैं। समय समय पर नगर पालिका प्रशासन ने लोगों को सुविधा देने के नाम पर वादे किए, जिन्हें भुनाने के कोई प्रयास नहीं हुआ। ऐसे में रहवासियों ने मोर्चा खोला और आप बीती सुनाई। उन्होंने बताया कि विगत कई सालों से बगीचे को लेकर शिकायत की है, लेकिन आज तक भी किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। गंदगी से परेशान है, मच्छर ही मच्छर है, साथ ही नालियों में पानी की निकासी नहीं होने से बीमारियों का डर सता रहा है। सड़क पूरी तरह उखड़ चुकी है, जिसे ठीक कराने के कोई प्रयास नहीं किए जा रहे, जबकि दूसरी कॉलोनियों की व्यवस्था दुरुस्त है। रहवासियों की माने तो जंगली जानवर भी कॉलोनी में घूमते रहते हैं, जिससे जान का जोखिम भी बना हुआ है। कॉलोनी वासियों ने जल्द व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की और मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। लगा रखी है तो लाइट के जो है पेड़ों की छटाई नहीं होती, तो लाइट बाहर बिल्कुल नहीं आती। रोड जैसा तैसा वैसे ही बना हुआ, जब से उखाड़ पछाड़ हुई तब से वैसे का वैसे ही है। नालियों की हालत भी वैसी की वैसी है। सांप नेवले चूहे दिन भर घरों में घुसते हैं। परेशानी इतनी है कि बच्चे खेलने के लिए कहाँ जाए, बच्चों के खेलने की जगह ये जो थी बगीचा, इसको बनाने के लिए पहले भी दो पार्षदों ने जो है बताया और पता नहीं क्या हुआ, उनका बना ही नहीं। आज भी हमने पार्षद से बोला था, बाकी दूसरे कॉलोनियों में सब बगीचे पूरे व्यवस्थित हो गए, रोड़े बन गई, सब हो गया, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ है। हमारी कॉलोनी में हम मांग ये करते हैं कि बगीचे को डेवलप किया जाए, रोड बनाई जाए, नालियों को व्यवस्थित किया जाए, खाली प्लाटों को व्यवस्थित व्यवस्थाएं की जाए। तो प्लाट खाली है, राजेश महाजन आदित्य नगर वार्ड क्रमांक 29। अरे तार ज्यादा प्रॉब्लम है, वो घर है उसका तो ना ड्रेनेज का पानी पानी बाहर ही नहीं जाता, घर के अंदर नाली में से मतलब बाहर आ जाता है पूरा पानी, और बहुत गंदगी, बहुत अत्यधिक गंदगी इस कॉलोनी में। रोड रोड का भी उन्होंने बोला था कि हम बारिश के बाद में काम चालू करेंगे, ना रोड का काम हुआ है, ना डेपर वगैरह लगते हैं, और ना नालियों का नालियों की साफ सफाई होती है। आप देख सकते हैं गार्डन, ये प्लाट वगैरह, इतनी गंदगी है इस कॉलोनी में, जब रहना बहुत मुश्किल हो रहा है अब तो। और घर के अंदर आप घर के अंदर घूस सांप नेवले सब अंदर आ जाते हैं। ऐसा लोग इतना पुराना है जवाब, ये 35 साल पुरानी कॉलोनी है, पूर्वज कॉलोनी। हम ये मांग कर रहे हैं कि ये अच्छे से बगीचा बन जाए, कम से कम प्लॉट की तो सफाई हो जाए और रोड बन जाए। हमको रात में भी आने जाने में बारिश हो जाती है तो पूरे गड्ढे भर जाते हैं, ना पता चलता है, बहुत एक्सीडेंट भी होते हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिल्पा, नीलेश महाजन है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।